कहीं भी देश के दूसरे कोने में भी शादी ब्याह कर सकते हैं। आज हमें आजादी है कि हम राजनीति भी कर सकते हैं, गरीब लोग राजनीति कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये इस उम्मीद के साथ बनाया गया था कि लोग इसकी वैल्यू को समझेंगे। वन वोट वन वैल्यू, और बस इस वैल्यू की बात को मैं वापस आपके घर पे लेके आता हूँ कि जब तक माँ बाप नहीं साथ रहते तब तक हम उनकी इज्जत नहीं करते। लेकिन जब माँ बाप हमसे दूर होते हैं तो फिर उस दिन हम क्या करते हैं, बहुत रोते हैं, परेशान होते हैं और तड़पते हैं कि काश ऐसा होता कि हमारे माँ बाप जिंदा रहते। यानी कि हम समय पर उसकी वैल्यू को नहीं समझते। आज लोकतंत्र है, कल हो या ना हो, क्योंकि जिस तरह की सरकारें पॉलिसी लेके आ रही है, जिस तरह की सरकारें काम कर रही है, मैं स्पेशल बात करूंगा भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह के उनके कारनामे हैं और जिस तरह का बंचेस ऑफ थॉट उनकी किताब में जो लिखा गया है, उनका एजेंडा, उसके अनुसार जो है वो लोकतंत्र को मानते हैं, जो भारतीय संविधान को नहीं मानते, वो नहीं मानते समानता की बात को, मानते वर्ण व्यवस्था को, जिसमें कुछ जातियों के लिए कार्य का निर्माण किया गया, कुछ जातियों को सिर्फ जो है सेवा करने के लिए बनाया गया, और कुछ जातियां जो पैदा होते सर्वश्रेष्ठ हो जाती है, जिनका सेवा जिनकी सेवा करना धर्म। भारतीय संविधान में कानून जो है ना सजा देता है जब कोई अपराध करता है, लेकिन वहां एक बड़े वर्ग की सेवा अपराध को अपराध नहीं माना जाता। ये मनुस्मृति कहती है जो आजादी से पहले का संविधान था। तो इस लोकतंत्र में हमें भागीदारी करनी चाहिए। कैसी भागीदारी, कि जिसका वोट होता है उसका राज होता है। समझे, सोचिए इस कमरे में हम एक चुनाव कराते हैं तो जिसके पक्ष में ज्यादा वोट होंगे वो जीतेगा या हारेगा। अब मैं ये भी जानना चाहता हूँ वोट देश के अंदर किस समाज के पास है, बहुजन समाज के पास, और उनका वोटिंग परसेंटेज भी सबसे ज्यादा रहता है। ज्यादा जरूरत उनको भी है तो उनको वास्तविकता में उसमें भागीदारी ज्यादा रूप से करनी चाहिए। इसके बीच में गैप क्यों पड़ेगा? देखो मैं समझता हूँ तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, मगर मुझे लगता है तुम्हें बैठना चाहिए, तो तुम दूसरे की आजादी नहीं स्वीकार करते हो। और अगर तुम्हें चाहिए था कि तुम्हें कुर्सी मिले तो तुम्हें पहले आकर बैठना चाहिए था। जब तुम वहां भी अपनी कुर्सी चाहते हो यहाँ भी, तो खुद को तुम्हें तैयार करना पड़ेगा ना। लोकतंत्र की और ताली बजा के जो है आप अपने दिमाग को इधर उधर बना ले जाए, बस मेरी बातों पर फोकस करें। तो वोट हमारे पास है, राज हमारा होना चाहिए था, वोट भी हमारा और राज हमारा नहीं है, यानी कि सही तरह से काम नहीं हुआ। अब हमें चाहिए कि इस पर सही तरह से काम करें। पहले दिक्कत ये थी कि नौजवानों को नकार दिया जाता था, जो बुजुर्ग हो रहे हैं जिनके पास अनुभव, उनको कह दिया जाता था कि आप करेंगे क्या। लेकिन धीरे धीरे नौजवानों ने अपनी ताकत से भूमि आर्मी को पूरी दुनिया में पहचान दिलाई, और मुझे गर्व होता है तमाम लोगों पे जिन लोगों की मेहनत से आज चंद्रशेखर को पूरी दुनिया जानती है। ये अगर पॉसिबल हो पाया तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से होगा, जिसने हमें आजादी दी बोलने की, जिसने हमें आजादी दी इस मंच पे खड़े होकर अपनी बात करने की, जिसने हमें आजादी दी अपने ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार खिलाफ आवाज उठाने की। लेकिन आज वो संविधान खतरे में, खतरे में होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जिन लोगों की सुरक्षा करनी चाहिए थी वो उसकी सुरक्षा नहीं कर रहे। मैं फिर वापस लेके आता हूँ, अगर आप रात में अपने घर का दरवाजा खुला छोड़ देंगे तो चोरी हो जाएगी, तो वो आपकी गलती है चोर की हमारी। तो इसी तरह से आपने संविधान की सुरक्षा दी है। संविधान की सुरक्षा कैसे होती है? संविधान सुरक्षा ऐसे होती है जब आप सदन में होते हैं, यानी कि आप संविधान से जुड़ी हुई चीजों के आसपास होते हैं, तो ना तो आप अपने संवैधानिक अधिकारों को जानते, ना ही आप अपने संवैधानिक कर्तव्य को जानते, ना ही आप संवैधानिक दायरे में आके एमएलए और एमपी बनके सदन में हैं, और ना ही आप सरकार में हैं। तो फिर तो संविधान पे आंच आएगी ना। मैं पीछे भी पिछले अपने साथियों के पास रुका था, मैं उनसे भी यही कह रहा था कि भाई ये बताओ, अगर जिस युवा में 24 घंटे काम करने की एनर्जी है, दो तीन दिन भूखे पेट पे रहकर काम करते हैं, जैसे यूनानी के लोगों ने पहले किया, जो बिना संसाधन के भी बस से, मोटरसाइकिल से, टायर से, उस पे क्या नाम, साइकिल से या और किसी साधन से दिल्ली पहुंच सकता आंदोलन में धार देने के लिए, तो वो नौजवान क्या नहीं कर सकता। बस जरूरत इसको कैटराइज कराने की। मैंने ज्यादातर मैं मानता हूँ, मैंने चार बहुत जिम्मेदार और बहुत सीनियर और जिनको मैं मानता हूँ कि वो वास्तविकता में समाज देती है, ऐसे लोगों को आपके बीच भेजा कि वो आपको कैडर करके तैयार करें। और कैडर क्यों जरूरी,
देखिए भाषण से पेट नहीं भरता, उसके लिए राशन की जरूरत होती है। जिस तरह से आर्मी में सिलेक्शन होने के बाद भी 6 से 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, 11-12 महीने कंट्रोल ट्रेनिंग कराई जाती है। पुलिस में भी, इवन पुलिस में अगर भर्ती होते उसमें ट्रेनिंग कराई जाती है। या सोचिए हम लोग CRPF, ITBP ये सब किसी भी उसमें जाते हैं, वहां पे ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग क्यों होती है? वो ट्रेनिंग इसलिए होती है कि आप सीख सके और कवरेज देने की क्षमता आपके अंदर आए, यानी कि आप अपना बौद्धिक विकास कर सके, उन चीजों पर आपका ध्यान, यानी कि आपको ट्रेनिंग के पास से गुजारा जाता है कि आप अच्छे, एक अच्छे जो है सिपाही बन सके, अच्छे नेता बन सके। लेकिन हमारे लोग जो ट्रेनिंग सेंटर में वो इतना फोन यूज करते हैं, वो कैडर लेकर काम नहीं करते, समझदार दिखाने काम नहीं करते, वो क्या करते हैं, फोन में ज्यादा ध्यान रखते हैं, कोशिश करते हैं फोटो खींच जाए। फिर क्या होता है कि उनको वो ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता, भाषण कहते हैं कि क्या हुआ था हमें तो पता ही नहीं। हमें सोचिए आपने स्कूल का जो सिलेबस है, आप सब लोग पढ़ के आए होंगे, अगर आप बीच के 4 चैप्टर छोड़ देते हैं और उन्हीं 4 चैप्टर में से पेपर में आ जाता है तो आप क्या दे बता लिखेंगे? फिर आप मास्टर की गलती निकालेंगे कि भाई मास्टर जी ने पढ़ाया नहीं होगा, लेकिन गलती आपकी है और गलती हमारी है क्योंकि हमने राजनीतिक व्यवस्था को पहले नहीं समझा कि राजनीतिक। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ TV को, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।